गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, आओ खेले खेल. सो खेल के बारे में आप सभी जानते ही हैं, कौन कौन से खेल आप खेलते हैं, कौन कौन से स्कूल में खिलाए जाते हैं और कौन कौन से अपने अपना नेशनल गेम कौन सा है, अपना स्टेट गेम कौन सा है, ये सभी आपको पता होना चाहिए. जैसे अपना नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है. भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी. और अपने राजस्थान राज्य का राज्य खेल कौन सा है, तो राजस्थान राज्य का राज्य खेल बास्केटबॉल है. तो इसी तरह जब हम छोटे होते हैं तो कुछ और छोटे छोटे गेम खेले जाते हैं स्कूल में, उन गेम के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो शुरू करते हैं. रीना ने ममता को आवाज़ लगाई. कोई लड़की है रीना और उसकी सहेली कौन है, ममता. उसको आवाज़ लगाई. आवाज़ लगाई यानी उसको बुलाया. ममता समझ गई कि खेलने का समय हो गया है. माँ से कहकर वे दौड़ी आई. उसने उसको अपनी नई रस्सी दिखाई. किसने दिखाई, रीना ने ममता को नई रस्सी दिखाई. अब रस्सी से कौन सा खेल होता है, रस्सी कूद होता है. सामने से राकेश, रूपा, शमीम, अंजू, सतीश, विमल सभी आते दिखाई दिए. एक एक कर सब पार्क में इकट्ठे हो गए और कोई गेंद लाया तो कोई रस्सी और कोई रिंग. आशीष नहीं आया था. मतलब एक पार्क, पार्क यानी क्या होता है, बगीचा. ये शब्द अर्थ है कठिन, जिनको आपको कॉपी में लिखने हैं और साथ में ही याद करने हैं. तो पार्क का मतलब, पार्क इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है बगीचा. तो सभी बच्चे बगीचे में इकट्ठा हो गए और सब अपने अपने खेलने का सामान लेके आए और फिर साथ में खेलने लगे. तो विमल बोला, मैं आशीष को बुला लाता हूँ. आप सब भी खेलते हैं, अगर आपका कोई एक दोस्त नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, उसका इंतजार करोगे या उसको बुलाओगे. तो विमल भी बोला कि मैं आशीष को बुलाकर लाता हूँ. वह दौड़ता हुआ आशीष के घर गया और पुकारा. पुकारा का मतलब क्या होता है, उसको आवाज़ लगाना, किसी को पुकारना यानी आवाज़ लगाना. आशीष, ओ आशीष, सब आ गए हैं, जल्दी चलो. फिर आशीष ने कहा कि आज मेरे चचेरे भाई बहन आए हैं. मतलब चाचा के लड़के लड़की आई है, आए हुए हैं, वे सभी हमारे साथ खेलेंगे. तो विमल बोला, अरे वाह, फिर तो बड़ा मज़ा आ जाएगा. मतलब उनके साथ और बच्चे आ जाएंगे तो फिर खेलने का और मज़ा आएगा. सब इकट्ठे हो गए. आशीष बोला, कोई ऐसा खेल खेले कि सब साथ में खेल सके. फिर सब सोचने लगे कि ऐसा कौन सा खेल है जो हम सब साथ में मिलके खेल सके. आँख मिचोली, हत्ता ताली या चितोलिया. हत्ता ताली क्या होता है, तालियां बजाकर खेले जाने वाला खेल, जिसमें तालियां बजाकर खेले जाता है. रीना बोली, मैं तो आज रस्सी कूदूंगी, देखो नई रस्सी. वो नई रस्सी लेके आई तो उसने क्या बोला, मैं तो रस्सी कूदूंगी. तो सब रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे. अब ये खेल आप इसमें देख सकते हो, दो जने इस रस्सी को पकड़े रहते हैं और बीच वाला उसमें कूदता है. रीना और ममता ने रस्सी के दोनों छोर पकड़ लिए और कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे घुमाने लगी. बीच में राकेश कूदने लगा और कूदते हुए उसका पाँव रस्सी से छू गया. जब रस्सी को कूदना होता है और अगर रस्सी पे पाँव टच हो जाता है तो वो आउट हो जाता है. आउट मतलब खेल से बाहर हो जाता है, ठीक है. अब वे रीना की जगह आकर रस्सी घुमाने लगा और रीना कूदने लगी. ऐसे ऐसे फिर आउट होते जाते हैं और दूसरे का नंबर आता जाता है. फिर विमल, रानी, सतीश, उसके मित्रों ने सतोलिया खेलने की सोची. अब वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, सतोलिया. उसमें क्या होता है, पत्थर रखे और फिर कपड़े की बॉल बनाते हैं और उससे फिर दूसरी टीम, एक टीम जो मारने वाली होती है और दूसरी टीम भागने वाली होती है. विमल घर से सात वृत्ताकार पत्थर लाया. वृत्ताकार यानी इधर देखो, वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, वृत्ताकार मतलब गोल आकार के. मतलब पत्थर कौन से होते हैं, गोल आकार के,
नीचे सबसे बड़ा, फिर उसके ऊपर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसा करके 7 पत्थर रखते हैं और फिर सतोलिया खेलते हैं। इस खेल में एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है, दूसरा दल पहले दल के खिलाड़ियों को गेंद मारता है, सतोलिया गिराने वाला दल वापस सतोलिया जमाता है, मतलब जिसने गिराया है वो उनसे बचता हुआ कोई गेंद से मार नहीं दे और उनको वापस वो पत्थर जमाने होते हैं। गेंद लग जाने पर वे खिलाड़ी आउट समझा जाता है। जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो हम सभी भी स्कूल में सतोलिया खेलने का आनंद लेंगे। वह गेंद से अपना बचाव करते हुए सतोलिया जमाने की कोशिश करता है। खेल शुरू हुआ, रानी पहले दल में थी। हर गेम में दो दल होते हैं, दो टीम बनती है, एक टीम दूसरे टीम को आउट करती है, दूसरी टीम उस टीम को आउट करती है, तो ऐसे ही सतोलिया में भी होता है। जो ही वह पत्थर जमाने आई, विमल ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया। फिर दूसरे दल के विमल ने सतोलिया गिराया, राकेश गेंद झपटने लगा लेकिन गेंद चली गई। अगर आपने ये गेम खेला होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस गेम को जब खेलते हैं तो ही समझ में आता है। गेंद लेकर कोई आता तब तक विमल ने सतोलिया जमा दिया और मारे खुशी के सब तालियां बजाने लगे। अगर उस दूसरी टीम ने उसको बॉल मारी, उससे पहले उसने वो सातों सतोलिया जमा दिए, तो फिर उनकी जीत हो गई और सब खुशी से तालियां बजाने लगे। फिर थोड़ी देर खेलने के बाद सब थक कर बैठ गए। रीना, विमला और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूद कर थक गई, लेकिन खेलने से मन नहीं भरा। सब ने कहा अब हम एक साथ खेलते हैं। शमीम ने कहा कोड़े वाला खेल खेले। हाँ कहते सभी उठ खड़े हुए। अब कोड़े क्या होते हैं? कोड़ा होता है कपड़े का सोटा, मतलब लंबा कपड़ा होता है, उसको मोड़ के उसमें मोड़ के उसको एक कोड़ा बना लेते हैं और फिर पूरा ऐसा घेरा बना के सब बैठ जाते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, सारे बच्चे एक ही तरफ मुंह करके गोला बना के बैठ गए हैं और फिर जो दूसरी टीम का लड़का होगा वो इनके चारों तरफ घूमेगा और जो पीछे देखेगा उसको कोड़ा मारेगा। तो अब इस कोड़े वाले गेम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबने एक घेरा बनाया और बैठ गए। सतीश ने रुमाल का कोड़ा बनाया, वह कोड़ा छिपाकर यह कहते हुए घेरे से बाहर घूमने लगा। कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाए। सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे। सतीश ने चुपके से कोड़ा अंजू के पीछे डाल दिया और अंजू को पता ही नहीं चला। सतीश घेरे के चक्कर लगाकर आया, अंजू के पीछे कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा। अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी। अब जिसके पीछे वो रुमाल रखा है अब उसका नंबर आएगा और फिर वो ऐसे करेगा और क्या बोलेगा, कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाए। फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। सबको इस गेम में खूब मजा आया। देर तक चलता रहा, रात होने लगी। कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब घर की तरफ दौड़े, मतलब उन्होंने बहुत देर खेल लिया, उसके बाद वो क्या बोले, अब हम कल खेलेंगे, और सब अपने अपने घर चले गए। अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहले आपको कॉपी में ये सारे शब्द अर्थ लिखने हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर में आप देखिए। इसमें उच्चारण के लिए आपको बोलना सीखना है, जैसे बच्चे, रस्सी, वृत्ताकार, संभाल, चक्कर, हल्का। फिर आप सोचें और बताएं कि खेलने के लिए सब लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे, तो आपको पता है वो बगीचे में इकट्ठा हुए थे। सतोलिया के खेल में वृत्ताकार पत्थर कितने होते हैं? मैंने बताया है कितने पत्थर होते हैं, 7 पत्थर होते हैं। रस्सी का खेल कौन कौन खेल रहे थे? तो रस्सी का खेल अभी आया था, रस्सी का खेल कौन कौन खेले थे? रीना खेली थी, फिर ममता और विमल। ठीक है, ये रीना, ये ममता और ये विमल, ये मिलकर रस्सी का गेम खेले थे। और भी बहुत सारे खेले थे लेकिन रस्सी वाला गेम यही खेले थे। राकेश भी खेला था। तो इस तरह से ये चारों जने रस्सी का खेल खेले थे। ठीक है, ये प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करने हैं,
यहाँ से आपको कॉपी में प्रश्न करना है, इधर देखिए रिक्तस्थान भरने हैं। रीना बोली मैं तो आज कूदूंगी, क्या कूदूंगी, रस्सी कूदूंगी, ठीक है, तो इसमें क्या भरना है, रस्सी। वह हो गया, वह क्या, वह आउट हो गया, ठीक है, तो आउट यहाँ भरना है। विमल घर से क्या लेके आया, सात वृत्ताकार पत्थर लेके आया जो सतोलिया होते हैं, ठीक है। फिर देर तक खेल चलता रहा, ठीक है, इसमें खेल भरना है, ये आपको कॉपी में करना है। फिर इसके प्रश्न देखिए, सतोलिया का खेल कैसे खेला जाता है, तो इस तरह इसमें बताया है सतोलिया का खेल कैसे खेलते हैं कि एक के ऊपर एक पत्थर जमा देते हैं, दो दल बनाए, तो इस तरह से आपको ये वाला पैराग्राफ इसमें यहाँ से लिखना है, ये सतोलिया का खेल इस तरह से खेला जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, लड़कियां कौन सा खेल खेलने लगी, तो लड़कियां रस्सी कूदने वाला खेल खेलने लगी। सबने मिलकर कौन सा खेल खेला, कोड़ा वाला खेल खेला। कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखो मार खाई कैसे खेला जाता है, तो ये कैसे खेला जाता है, जैसा कि ये सब मिलकर खेले थे, घेरा बनाते हैं, सब एक ऐसे बैठते हैं, फिर रुमाल से कोड़ा बनाकर गोल गोल घूमता है एक लड़का, और फिर वो किसी के पीछे रख देता है और उसको पता नहीं चलने पर उसके पीछे कोड़े लगाता है, तो ये कोड़े वाला खेल हो गया, इसको आप अपनी भाषा में लिखिएगा। फिर है भाषा की बात, इसमें क्या है, राकेश कूदने लगा और कूदते हुए उसका पाँव रस्सी से छू गया, तो यहाँ पर पहले राकेश का नाम आया, लेकिन जब दूसरी बार उसकी कोई बात हुई तो उसके नाम नहीं आया और उसकी जगह क्या आया, उसका, तो ये उसका क्या है, उसका जब प्रयोग अपन एक बात कह देते हैं, जैसे एक जंगल में शेर रहता था, वह बहुत दयालु था, तो इस तरह से अगर कुछ बोलेंगे तो दूसरी बार में बार बार अपन शेर शेर का नाम नहीं लिखेंगे, तो इस तरह के जब उनके लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो जैसे रीना, रीना तो किसी का नाम है तो वो संज्ञा है, यहाँ आएगा, लेकिन वह तो किसी का नाम नहीं है तो वो सर्वनाम है, यहाँ आएगा। रस्सी नाम है तो इधर आएगा। सब, सब कोई नाम नहीं होता तो सर्वनाम है। इसी तरह आपको संज्ञा और सर्वनाम इनमें से छांट के इनमें भरना है, ठीक है। जैसे संज्ञा क्या हो गई, रीना संज्ञा हो गई क्योंकि ये लड़की का नाम है, ठीक है, और वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरह रस्सी संज्ञा है क्योंकि ये किसी का नाम है, और सब क्या है, संज्ञा नहीं है क्योंकि वो सर्वनाम है। इसी तरह आपको भरना है। अब आपको क्या करना है, मूल शब्द के साथ ना जोड़ने से उसका क्रिया रूप बन जाता है, जैसे दौड़ से दौड़ना, इसी तरह आपको इन सब में ना ना लगा के और इनको लिखना है। जैसे लिख के पीछे ना लगाओगे तो लिखना हो जाएगा, देख के पीछे ना लगाओगे देखना, कूदना, रखना, इसी तरह आपको ये भरना है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ओके okay?